नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाने वाला हूं जो अपनी श्रेणी में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिकता है। फुल जानकारी मैं आपको दूंगा, लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर के बारे में। भाइयों, ये है आपके सामने सोनालिका DI-35 सिकंदर। भाइयों, ये जो ट्रैक्टर है 39 HP का राजा है। मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड चल रही है, किसान भाई इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट के बारे में। फ्रंट में भाइयों, आप देख पा रहे हैं इसका जो बम्पर है लगभग 40 से 45 kg के आसपास का वेट होने वाला। भाइयों, ट्रैक्टर में जो आपको लाइटें मिलती हैं, सिंपल लाइटें मिलती हैं, हैलोजन लाइटें मिलती हैं और आपको हैलोजन वाले डिफर मिलते हैं, ठीक है। सिंगल पीस ट्रैक्टर का बोनेट दिया हुआ है, इसमें आपको लॉग मिलेगा। बहुत अच्छा कंपनी ने काम किया है और ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो हर साल अपने ट्रैक्टर में नए बदलाव करती है। फ्रंट में इसमें जो टायर मिलते हैं आपको 6/16 के टायर मिलते हैं और ये आपको पावर स्टेयरिंग में मिलेगा। आप चाहें तो सादा स्टेयरिंग में ले सकते हैं। भाइयों, इसमें सिंगल एक्टिंग वाला पावर स्टेयरिंग मिलता है, तो सिंगल एक्टिंग वाला जो पावर स्टेयरिंग होता है डबल एक्टिंग वाले पावर स्टेयरिंग के मुकाबले ज़्यादा स्पीड होती है इसकी। ये बहुत फास्ट चलता है, ठीक है। और इस ट्रैक्टर का जो चूल्हा है काफ़ी हैवी कंपनी ने बनाया है, देख सकते हैं आप लोग। और अभी मैं आपको इसका पावर स्टेयरिंग का पंप दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। ये इसका भाइयों पावर स्टेयरिंग का पंप और हाइड्रोलिक का पंप दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ अभी ये 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी, ठीक है। कंपनी ने यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया है। बाकी इसका देख सकते हैं आप लोग, साइड में बैटरी बॉक्स दिया हुआ है और साइड में सेल्फ दिया हुआ है। भाइयों, आप देख पा रहे हैं ये इसका एयर क्लीनर है, इसमें आपको ऑयल बाथ वाला एयर क्लीनर मिलता है और पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सिकंदर सीरीज में बहुत तगड़ा बदलाव किया है कंपनी ने। बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर का 2780 cc का इंजन मिलता है। ये भाइयों देख सकते हैं आप लोग, माइको बॉस कंपनी का इनलाइन पंप है और देख सकते हैं आप लोग ये हीट गार्ड दिया हुआ है। ये भी बहुत अच्छा बदलाव किया है ट्रावे की सेफ्टी के लिए। और इस सेक्टर में आपको हाइड्रस कंपनी का वाटर सेपरेटर मिलता है। इसका जो फ्यूल टैंक है लगभग 50 लीटर के आसपास फ्यूल टैंक है। सिकंदर सीरीज का ट्रैक्टर है। और भाइयों, सबसे अच्छी बात मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ अभी 39 HP कैटेगरी हाई टॉर्क, 167 Nm का टॉर्क है और इंजन के जो RPM है 1800 रेटेड इंजन के RPM है। 39 HP में सबसे ज़्यादा टॉर्क वाला ट्रैक्टर है। और अब बात करते हैं इसके PTO के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको देख सकते हैं आप लोग 34.87 HP की PTO पावर मिलती है और SFC भी आप इसके देख सकते हैं, ठीक है भाइयों। और अब भाइयों मैं बताता हूँ उसके क्लच के बारे में। ये डुअल क्लच ट्रैक्टर है, आप चाहें तो सिंगल क्लच में भी ले सकते हैं। भाइयों, बात करते हैं ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसे 750 का प्लेटफॉर्म होता है वैसे ही इसका ही प्लेटफॉर्म कंपनी ने बनाया है। बात करते हैं ट्रैक्टर के गेयरबॉक्स के बारे में, तो ट्रैक्टर में आपको 8+2 का साइड गेयरबॉक्स मिलता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये चढ़ने के लिए दिया हुआ है ड्राइवर की सेफ्टी के लिए। काफ़ी लोग ट्रैक्टर पर चलते हैं तो इस टाइप से स्टेयरिंग को पकड़ते हैं तो आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद स्टेयरिंग में चाल आ जाती है, तो ड्राइवर को इस तरीके से ट्रैक्टर पर नहीं चढ़ना चाहिए, यहाँ से पकड़ के चढ़ना चाहिए, ठीक है जी। बाकी मैं आपको इसकी सीट के बारे में बताता हूँ। इसकी जो सीट है एडजस्टेबल सीट है, काफ़ी अच्छी सीट दी हुई है। और ये इसका PTO का लीवर दिया हुआ है। ट्रैक्टर में आपको रिवर्स PTO भी मिलती है। भाइयों, आप देख सकते हैं ये इसका डैशबोर्ड दिया हुआ है, इसमें आपको सभी प्रकार के मीटर मिलते हैं। और हमने आपको बताया था इसके जो इंजन के RPM है 1800 रेटेड इंजन के RPM है और PTO के बारे में लिखा हुआ है 540 चक्कर हैं, ठीक है। बात करते हैं ट्रैक्टर के ब्रेक के बारे में, तो ट्रैक्टर में आपको तेल में डूबे हुए ऑयल मस्ट ब्रेक मिलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अभी है ऑयल मस्ट ब्रेक और ये इसके PTO लीवर दिए हुए हैं, PCDC लीवर। 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर आता है भाइयों। ये इसकी टायर वाली रेस दी हुई है। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मेरे किसान भाई सोनालिका DI-35 ट्रैक्टर चला रहे हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं ट्रैक्टर कितना डीजल ले रहा है, कितने फीट का रोटावेटर चला रहे हैं, कौन सी हैनो चला रहे हैं आप लोग। ट्रैक्टर के बारे में फीडबैक जरूर दें, ठीक है। और बात करते हैं ट्रैक्टर के बैक टायर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 13/6/28 के बैक टायर मिलते हैं। भाइयों, आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में कंपनी ने बदलाव किया है। टॉप लिंक ग्रीस में आपको 4 होल मिलेंगे, पहले 3 थे अब 4 मिलेंगे। मैंने बताया था कि भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो हर साल ट्रैक्टर में नए बदलाव करती है। बाकी इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं ये ट्रॉली के लिए सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर्स में मिलता है। और देख सकते हैं भाई उसकी जो ट्यूब है, इसे बैक एक्सल बोलते हैं, ये बहुत हैवी कंपनी ने बनाया है। यहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलती है। काफ़ी ट्रैक्टर में आपने देखा होगा ट्यूब फट जाती है, लेकिन इसमें बहुत कम चांस है जो ऐसा होगा। काफ़ी तगड़ा बदलाव किया है कंपनी ने। और ट्रॉली में लाइट के लिए दिया हुआ है, यह ट्रैक्टर में आपको मिलेगा। ये रिफ्लेक्टर हो गया, ये बोतल होल्डर है। बाकी मडगार्ड की सेफ्टी के लिए ये देख सकते हैं आप लोग फेंडर दिया हुआ है। और हमने बताया था लिफ्ट के बारे में, 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है। कंपनी ने यहाँ पर लिख के भी दिया हुआ है रिवर्स PTO, रिवर्स PTO इसमें आपको मिलती है, ठीक है। ये इसकी बैग लाइट होगी, यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं आप लोग। बाकी जो हमारे किसान भाई, हमने बताया था
इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। भाई ये बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सोनाली का ट्रैक्टर डीजल जला लेता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि ट्रैक्टर वास्तव में डीजल जला लेता है।